काले काले बादल दिखाई दे रहे थे। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी कलाकार ने काले रंग से पूरे आसमान को रंग दिया है। आर्यन और सुनिधि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले सड़क किनारे बातें करते हुए चले जा रहे थे। कुछ और लोग भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ पैदल तो कुछ गाड़ियों में। लेकिन सभी में एक बात कॉमन थी, उन सभी लोगों को घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती थी। कभी कोई कार, कभी बाइक, तो कभी कोई बड़ी सी गाड़ी पूरी स्पीड में सड़क से गुजरती। लेकिन उन सबसे उलट सुनिधि की बातों में खोए आर्यन को घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ दिनों पहले ही सुनिधि और आर्यन ने लव मैरिज की है। पहले तो दोनों के घर वालों को दोनों के रिश्ते से एतराज था, लेकिन फिर उनका प्यार देखकर वे मान गए। आर्यन को भले ही घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन सुनिधि आसमान की ओर बार बार घूरे जा रही थी। आर्यन, देख रहे हो कितने घने बादल हैं? बरसना शुरू होंगे तो हम कहाँ छिपेंगे? उसके ऐसा कहते ही रिमझिम कर बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि बारिश भी इस प्रेम से भरे जोड़े को भिगोना चाहती है। ये लो, तुमने कहा और बारिश होनी शुरू हो गई। पल में ही छोटी छोटी बूंदे बड़ी बूंदों में बदल जाती है और तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुनिधि बारिश से छिपने के लिए इधर उधर जगह देखने लगती है, लेकिन आर्यन छिपने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो तो बाहें पसारे बारिश में खड़ा था। ये क्या कर रहे हो आर्यन? प्लीज कहीं शेड के नीचे चलो ना, नहीं तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। देखो तो, मैंने चुन्नी भी नहीं ले रखी आज। क्यों छिपे हम कहीं? चलो ना, भीगते हैं दोनों साथ। क्या आर्यन, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों, मैं क्यों हो गया पागल? जब तुम छोटी थी तो क्या भीगती नहीं थी बारिश में? भीगती तो थी, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह भीगूंगी तो लोग क्या कहेंगे? देखो जान, हम सबको इस पिंजरे ने कैद कर रखा है कि लोग क्या कहेंगे। हम सब अपने कई अरमान इस पत्थर के नीचे दबा देते हैं। जिंदगी कैद का नाम नहीं है, खुद के लिए जीना सीखो जान। सच कहो तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है देर तक भीगने का? जहाँ पानी जमा हो गया है वहाँ उस गड्ढे में उछलने का? अरे जैसे बचपन में उछलते थे, ये देखो ऐसे। आर्यन उसे उछल कर दिखाता है। सुनिधि उसे देख कर मुस्कुराने लगती है। हाँ आर्यन, हाँ मुझे भीगना है देर तक तुम्हारे साथ। मुझे बच्चा बनना है फिर से, मुझे परवाह नहीं किसी की। सुनिधि सड़क किनारे जमा पानी के गड्ढे में कूदने लगती है। क्या कहूँ मैं, कितना मजा आ रहा है भीग कर। I'm feeling out of the world। क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? किस? अरे इतने लोग देख रहे हैं हमें, क्या कहेंगे वो? कहने दो उन्हें, मुझे किसी की परवाह नहीं। बारिश में भीगते दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। लगातार बारिश होने के कारण सड़क पर कई जगह पानी भर गया था, लेकिन बारिश भी लगता था कि जिद पर अड़ गई है। वो बरसती ही जा रही थी। वे दोनों अंदाजे से सड़क पर चले जा रहे थे, लेकिन तभी सुनिधि जोर से चीख पड़ी, आर्यन! आर्यन जब तक समझ पाता कि क्या हुआ है, सुनिधि का हाथ उससे छूट गया और वो सड़क के किनारे उस गहरे मेन होल में गिर गई, जिसे शायद मरम्मत के कारण खोला गया था या उस पर ढक्कन था ही नहीं। सुनिधि, सुनिधि! पल में ही वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। आर्यन उस मेन होल में खुद भी उतरने वाला था, तभी आसपास से गुजर रहे लोगों ने उसे रोका। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मेरी सुनिधि, मेरी पत्नी गिर गई है इस मेन होल में, छोड़ो। जीवन कितना अनिश्चित है ना, कुछ पल पहले प्यार में डूबे आर्यन और सुनिधि का जीवन एकदम से बदल जाएगा, किसे पता था। बारिश थमी और आर्यन का जीवन भी, लेकिन आंसू, उसके आंसू नहीं थमे। मेनहोल में जिंदा प्रवेश की हुई सुनिधि जब बाहर आई तो वह लाश बन चुकी थी। म्युनिसिपैलिटी के लोगों को उसकी लाश को मेनहोल से बाहर निकालने में काफी समय लग गया था। मौत बहुत ही गंभीर होती है, लेकिन सुनिधि के चेहरे पर गंभीरता नहीं थी, शांति थी। लेकिन आर्यन अशांत हो गया था। सुनिधि, सुनिधि, उठ जाना, उठ जाना। अरे उठना, आर्यन कैसे रहेगा तेरे बिना, कैसे जिएगा, कौन संभालेगा मुझे? भगवान, भगवान, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया। सुनिधि आंखें खोलो, आंखें खोलो, मुझे किस करो, मेरे माथे के बीच में, जैसे तुम क्या करती हो, और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, सारे गम, सारी तकलीफ। प्लीज करो ना किस, प्लीज करो ना। मृत इंसान ना तो आंसुओं को देख सकता है और ना ही उस दर्द को महसूस कर सकता है जो उनके अपनों को होता है।
मृत इंसान तो अपना नाम तक खो देता है, पल में ही लोग उसे बॉडी कहकर बुलाने लगते हैं। आप अपनी वाइफ की बॉडी अब ले जा सकते हैं। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सुनिधि की बॉडी सफेद कपड़ों में लिपटी उसके ससुराल पहुंची। आर्यन के माता और पिता दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने इकलौते बेटे आर्यन को कैसे समझाएंगे। कितना खुश रहता था वो सुनिधि के साथ। आर्यन की आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। वो ये सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो रहा था कि सुनिधि का शरीर कुछ पलों में खाक हो जाएगा। हंसती बोलती उसकी सुनिधि अब कभी उससे बातें नहीं कर पाएगी, उसके गालों को छू नहीं पाएगी, उसे सीने से नहीं लगा पाएगी। अपने ख्यालों में खोया आर्यन उसकी बॉडी के पास बैठा हुआ था। पास ही अगरबत्ती जल रही थी और उसका धुआं कमरे में फैलता जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे बुलाया। पापा के साथ पंडित जी भी थे और उनके हाथों में एक पत्री थी। आर्यन, सुनिधि की मौत पंचक में हुई है, इसलिए हमें पंचक के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना होगा। पंचक? पंचक यानी पांच ग्रह नक्षत्रों की एक ऐसी दशा जो बहुत ही अशुभ होती है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही उसके कुल, उसके खानदान के पांच और लोगों की मौत हो जाती है। शास्त्र कहता है कि घनिष्ठ पंचकम ग्रामे सदविषा कुल पंचकम पूर्वा भाद्र प्रदा रथिया चोतरा गृह पंचकम रेवती ग्राम बाह्याम च एतत पंचकम लक्षणम। अर्थात यदि घनिष्ठ नक्षत्र में मृत्यु हुई है तो गांव में पांच लोग, शतभिषा नक्षत्र में मृत्यु हुई हो तो उसी कुल में पांच लोग, पूर्वा नक्षत्र में मृत्यु हुई है तो उसी मोहल्ले में पांच लोग, उत्तरा में हो तो उसी घर में पांच और, रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में पांच लोगों की मृत्यु संभव है। और कभी कभी तो ये सभी मौतें भी देखी गई है। आर्यन बेटा, इसलिए हमें पंचक के नियमों के अनुसार ही तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इस अनहोनी से बचा जा सकेगा। और इसके लिए तुम्हारी पत्नी के शव के साथ आटे बेसन या कुश, जिसे सूखी घास कहते हैं, उससे बने पांच पुतले अर्थी पर रखकर उन पांचों का भी तुम्हारी पत्नी के शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंडित जी की वह बातें आर्यन को अजीब सी लग रही थी। उसे पंडित जी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उन पर अपना गुस्सा निकाल तो नहीं सकता था। पापा प्लीज, प्लीज मेरी सुनिधि की मौत का मजाक मत बनाइए। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मेरी जिंदगी की सबसे बुरी चीज घटित हो चुकी है, अब क्या होगा? देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब इन बातों को मानते हैं, लेकिन प्लीज मुझे इस अंधविश्वास में मत घसीटिए। इकलौते बेटे आर्यन की जिद के आगे उसके पिता झुक गए। सुनिधि का अंतिम संस्कार पंचक के नियमों के बिना पूरा किया गया। नदी किनारे उसके मृत शरीर को जब आर्यन मुखाग्नि दे रहा था तो सुनिधि की एक ही बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। मान लो सुनिधि, कल को कहीं ऐसा हो जाए कि तुझे मेरे बिना पूरी जिंदगी जीना पड़े, तो तू रह पाएगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। उसी रात लगभग 1:30 बजे की बात है, आर्यन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सुनिधि की तस्वीर को लगातार घूरे जा रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी सुनिधि उसके पास आकर खड़ी हो गई है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, उसका हाथ उसके शरीर से आर पार हो जाता है। घर के बाहर कुत्ते के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, और वो रोना कुछ ऐसा था जैसे कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। आर्यन बार बार सुनिधि को छूने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छू पाने के कारण वो झुंझला जाता है। तभी उसके कानों में एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगती है। वो अपनी खिड़की खोलकर घर के बाहर झांकता है। उसके पड़ोस वाले अग्रवाल अंकल को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। अगली सुबह आर्यन के पड़ोस से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। आज सुबह अग्रवाल जी और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो गई। आर्यन ने अपने पापा को ये बात अपनी माँ से कहते हुए सुना। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अग्रवाल अंकल और आंटी का चेहरा आ गया, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उसे देखा था। उनकी गोद में वो खेला भी था। वह दोनों अपनी भतीजे के साथ रहा करते थे। अग्रवाल अंकल का एक ही बेटा था नवीन, वह एयरफोर्स में था,
लेकिन पिछले साल वो शहीद हो गया था। अग्रवाल अंकल और आंटी कितने अकेले हो गए थे उसके जाने के बाद। हालांकि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व था। धीरे धीरे उन दोनों ने जीवन के इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया था और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन की शादी में अंकल और आंटी भी जमकर नाचे थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी तो नहीं देखी, लेकिन आर्यन तो नवीन की तरह ही तो था उनके लिए। अच्छे भले तो थे वे लोग, अचानक क्या हो गया उन्हें, वो भी एक साथ? हार्ट अटैक बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मौत क्यों हुई है। बूझे मन से आर्यन के पापा ने यह बात आर्यन से कही, फिर ऊपर के कमरे में चले गए। आर्यन को पापा की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके कानों में पंडित जी की बात गूंजने लगी। तुम्हारी पत्नी की मौत पंचक में हुई है। अगर पंचक के नियमों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया तो 5 मौतें और होंगी, घर घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। पंडित जी की आवाज के साथ मोबाइल की घंटी की आवाज भी गूंज रही थी आर्यन के कानों में। पापा का मोबाइल लगातार बजे जा रहा था। पापा, पापा कहाँ हो आप? आपका फोन बज रहा है, पापा। आर्यन घबराया हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसके आगे आगे चल रहा है। उसे वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके साथ ऊपर चल रहा है। कौन, कौन है, कौन है? तभी सुनिधि की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी वह नीचे गिर जाती है। उसे देख आर्यन की आंखों के आगे फिर से वही दृश्य घूम जाता है जब सुनिधि उस दिन मनहूस बारिश में मेन होल में गिर गई थी। वह एक बार फिर जोरों से चीखते हुए उसका नाम पुकारता है, सुनिधि। आर्यन भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन तभी उसका पैर उसके पैरों में ही फंस जाता है। वह सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। उसके सिर पर भयंकर चोट लगी होती है। उसके खून से उसके कपड़े के साथ पूरा फर्श भी भीग जाता है। स्ट्रेचर पर अर्ध बेहोशी की हालत में आर्यन पड़ा हुआ है। उसके माँ और पापा बदहवास से स्ट्रेचर को पकड़े हुए भागे जा रहे हैं। सब कुछ धुंधला सा लग रहा है। पंडित जी की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही है। तुम्हारी पत्नी की मौत पंचक में हुई है। अगर पंचक के नियमों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया तो 5 मौतें और होंगी, घर घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। बेटे को मुखाग्नि देते हुए आर्यन के पापा सोच रहे थे, कितना कहा मैंने उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। जेब से वो फोन निकाल कर देखते हैं। चश्मा उन्होंने लाया नहीं था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि फोन किसका है। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, आर्यन की माँ नहीं रही। इकलौते बेटे का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फोन पर ये बात सुनकर 70 साल के बूढ़े आर्यन के पिता पर ये खबर बिजली की तरह गिरी। अभी पुत्र का अंतिम संस्कार हुआ नहीं था कि पत्नी की चिता तैयार हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार कर पास के नदी में स्नान कर रहे आर्यन के पिता का न जाने कैसे पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धार की चपेट में आ गए। गोताखोरों ने बहुत मुश्किल से 3 दिन बाद उनकी लाश बरामद की। एक बार पंचक ने अपनी गिनती फिर से पूरी कर ली थी। 5 लोग मर चुके थे।